तो दोस्तों फाइनली वीवो S1 की फुल स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक के विलियो P65 का प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाली इसकी प्राइसिंग और साथ ही इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी जानने में हो सब एक्साइटेड तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले और डिजाइन से। तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.38 इंच की एक फुल एचडी प्लस की स्क्रीन जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ और वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और आपको पता ही होगा कि वीवो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की सेल्फी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। अब बात करते दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्रेडियंट फिनिश जो कि ग्लॉसी लुक के साथ आएगी और इस स्मार्टफोन का जो लुक होने वाला है काफी बेहतरीन होने वाला है। और इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको मिलने वाला है एक ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट जो कि आने वाला है 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ जिसका अपर्चर होगा f1.7 और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही आपको एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और अगर दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर की तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक के P65 का प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी जो कि आएगी एक फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट की तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है एक ही रैम वेरिएंट जो कि आने वाला है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइसिंग होने वाली है इंडियन मार्केट में 14,000 से 15,000 रुपीज के करीबन जैसा कि आपको वीवो के वीवो Z1 प्रो में देखने को मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है वो अगस्त के महीने में इंडिया में होने वाली है। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है एंड्रॉइड पाई के साथ जो कि वीवो के फन टच ओएस को सपोर्ट करती है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग के हिसाब से इस स्मार्टफोन का स्पेक्स देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आपको 14,000 से 15,000 रुपीज के बीच की प्राइसिंग में देखने को मिलने वाला है 6.38 इंच की डिस्प्ले साथ ही में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इस स्मार्टफोन में बैटरी भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है 4500 mAh की जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी पैकेजेस के साथ आने वाली है बहुत ही अच्छे प्राइस में। तो क्या दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही में अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे। About a 10, I should fuck her in the best, yeah.